और गुड़िया तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, अभी आप गुड़िया का लुक चेक करें। ये गुड़िया के कपड़े देखो, ये गुड़िया के शूज, हैंडल देखिए गुड़िया की। ये गुड़िया ने नील पॉलिश भी लगाई है भाई, नील पैंट देखिए गुड़िया का, मेहंदी भी लगाई है गुड़िया ने। ये देखिए गुड़िया रेडी भी हो गई। गुड़िया इधर देखिए, आप सब लोग बताइए गुड़िया कैसी लग रही है। गुड़िया को किसने रेडी तैयार किया है? मम्मा ने। अभी गुड़िया कहाँ जा रही है रेडी होके? नीचे। नीचे जा रही हूँ, क्या करने? ऐसे बकरों को देखने। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के पास नहीं जाएंगी? जाऊंगी। अच्छा, इधर देख के बात कीजिए। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगी। चलो ठीक है, सबको बाय बाय कर दो। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबको? माय तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? ईद कैसी गुजर रही है आप सब लोगों की? हम तो अभी फारू होके रेडी हो गए और फिर बस आप लोगों के सामने आ गए। आप एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ईद की तैयारी कर ली है, अब इंशाल्लाह कहीं जाएंगे शाम में, फिर वो भी आपको बताएंगे कहाँ जाते हैं, किस तरफ जाते हैं, आपको वो भी बताएंगे। साथ ही रहिएगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है। थैंक यू। और ये गुड़िया को देखिएगा ज़रा, ये गुड़िया सुबह से तैयार हुई है। सबसे पहले गुड़िया तैयार हुई थी और अभी गुड़िया की हालत ऐसी हो गई है। गुड़िया जो है नीचे गई हुई थी, सही है, पास खुद ही बोल रही है, फिर भी सही है। और जी क्या पकाया सबने, कमेंट में बताना। मैंने भी कुछ बनाया है, वीडियोस भी डाली हुई है और डालूंगी। चलें जी फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से, भी हम जा रहे हैं लंच करने, लंच के बाद मिलते हैं। जी क्या हाल है आप लोगों के? बस जी मैं भी अभी लंच करके आई हूँ, सुबह से थक गए, काम थे बहुत सारे, तो काम वाम निपटा के करके फिर हमने लंच किया। नाश्ते में आज हमने शीर कोरमा खाया जो रात को मैंने बनाया था, रेसिपी भी शेयर की थी। तो अब भी मैं बनाने जा रही हूँ आलू कीमा। तो चलें जी आप लोगों को दिखाते हैं आलू कीमा कैसे बनाती हूँ मैं। नॉर्मल सालन ही जो बनता है आलू कीमे का, वही बनाने जा रही हूँ। फिर शाम में फिर हम लोग कहीं जाने का भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है अभी। अभी मौसम तो सही है, ऐसा कुछ खास वो बारिश वाला है नहीं, तो अगर बारिश नहीं हुई या ज़्यादा नहीं हुई तो फिर कहीं बैठ जाएंगे। तो इसलिए सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं पहले ही डिनर को निपटा देती हूँ, तो कीमा बना देते हैं। कीमा पहले भाई गोश्त पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए सोच रही हूँ गोश्त नहीं बनाते, कीमा ही बना देती हूँ, क्योंकि गोश्त को पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और फिर इतना टाइम भी नहीं है, और फिर तैयार होके इतना लंबा वाला काम करना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए तो इससे अच्छा है शॉर्टकट अपनाओ और कीमा वीमा पका लो उस तरह का। बाकी भी खाने तो बाद में बनते ही रहेंगे, तो अभी टाइम है, अभी सब कुछ ही पकेगा, सब कुछ खाया जाएगा। तो अभी चलते हैं जी कीमा बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कीमा कैसे बनाती हूँ मैं। चलिए जी अभी हम बना रहे हैं आलू कीमा, और आलू कीमा के लिए प्याज मैंने चढ़ा दी है। मैंने तैयारी आज पहले से ही साफ पूरी कर दी थी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए तैयारी पूरी कर दी है मैंने। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को रेसिपी दूंगी आलू कीमे की। तो ये प्याज ब्राउन होती है तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये रहा कीमा हमारा, ये है हाफ के जी कीमा है। आलू, ये आलू भी काट के मैंने रख दिए हैं। इसमें है टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी। ठीक है जी, ये हो गया, मसाला भी रेडी करके रखा हुआ है। और इसमें जो है मैंने ज़ीरा और थोड़ा साबुत गरम मसाला थोड़ा डाला है। ठीक है जी, शुरू कर दीजिए। चलो जी ये अभी होने वाली है प्याज हमारी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। ये देख लो जी, अभी ये मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून के हम पे लगा देंगे, जब तक कीमे का पानी खुश्क हो जाए। तो
कीमा थोड़ा भून जाए। ठीक है जी, ये कीमे का अभी पानी ड्राई हो जाए फिर आते हैं। पानी इसका तकरीबन ड्राई होने वाला रहा है, कीमा भी थोड़ा भून चुका है। अभी हम इस पर टमाटर और मसाला भी बना दिया है। हमने आज कंप्यूटर तो मसाला मैंने बना के रखा था, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा बहुत सारी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें रखा है, हल्दी, धनिया। अभी इसको हम अच्छे से भूनेंगे। हमने मसाला डाल के अभी हम भूनेंगे इसको अच्छे से। थोड़ी देर दम पे लगाएंगे, टमाटर नरम हो जाए, फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए अभी इसको हम ढक्कन लगा के भून के अच्छे से फिर पानी डाल देंगे। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे और इतना पानी डाल देंगे कि आलू गल जाए। ये देखिए जी, अभी मैंने पानी डाल के इसको चढ़ा दिया था, अभी ये आलू पक जाए तो फिर इसको चूल्हा बंद करेंगे, पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है आप सबके, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, असर किया था, अभी नमाज़ का टाइम हो गया है, 5:45 तो चलते हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखो जी, ईद पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, न्यू बेडशीट बिछाई है आज। ईद पे तो नई बेडशीट होनी चाहिए भाई, इसलिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी। तो गाइस नमाज नमाज पढ़ ली है, अभी जा रहा हूँ ऊपर बिल्डिंग में सोना को लेना है। सोना ने कहा मुझे आइसक्रीम दिलाओ, मैंने कहा नमाज़ पढ़ के आता हूँ फिर आपको आइसक्रीम दिलाते हैं। पीछे दुकान है तो उसको चलते ऊपर से उसको लेके आते हैं फिर आइसक्रीम दिलाते हैं। मैं भी शायद ले लूँ आइसक्रीम, चलते ऊपर। हेलो, चले जी हम अभी फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया फिर उठे, अभी हम चाय पी रहे हैं और चाय के बाद फिर हम सोच रहे हैं कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो अभी कुछ पता नहीं है हम लोग कहाँ जाते हैं, मगर अभी हम यही सोच रहे हैं कि कहीं चक्कर लगा के आते हैं। पूरा दिन आज घर पे ही रहे, दिन का पता ही नहीं चला कब दिन गुजर गया, खैर पता ही नहीं चला।
तो अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं और बारिश भी होने वाली है, मौसम फुल ख़राब हो चुका है। अगर हम कहीं घूमने गए तो फिर आप लोगों से हम कल ही मिलेंगे, उसी वो हमारा घूमने का ब्लॉग भी उसी में ही आएगा, पार्ट टू नहीं आएगा, वो भी हम उसी में डाल देंगे कल के ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग तो हम अभी डाल देंगे रात में ही, और बाकी अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं क्या कुछ पता नहीं है। तो चले जी चाय पी के फिर हम निकलते हैं, और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। चले जी अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।